गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को? हाँ, तो हमेशा जैसे ही आप लोग वीडियो ओपन करते हो उसी टाइम लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जितने ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, उतना ज्यादा लोगों तो कंटेंट पहुंचेगा और हर लोगों का भला होगा। वो है ना, कर भला तो होत भला, वो वाली बात है। आप किसी का भला करोगे तो आपका भी भला हो जाएगा। क्या पता किसी को इस टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए और वो आपके एक शेयर करने से बढ़ जाए, उसका नॉलेज बढ़ जाए, अपग्रेड हो जाए, तो आपका भी भला और उसका भी भला, है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो, कमेंट भी किया करो। किसी को भी किसी भी टाइप की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, अगले दिन उस जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व आउट कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो आज अपन पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो जो है आपका ब्रोंकाई। किसकी बात कर रहे हैं अपन? आज बात करेंगे ब्रोंकाई की। इससे पहले अपन ने नोज, नेजल कैविटी, साइनस, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रेकिया तक पढ़ लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे ब्रोंकाई। नेक्स्ट क्लास के अंदर लंग्स और लंग्स की हिस्टोलॉजी, उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम के फिजियोलॉजी और फिजियोलॉजी के साथ में डायफ्राम और डायफ्राम के फंक्शंस, फिर इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स के टाइप्स और इंटरकोस्टल मसल्स के फंक्शन अपन पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है लेट्स स्टार्ट विद ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई की बात करें तो ब्रोंकाई एक वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो या जिसका फॉर्मेशन होता है किसकी वजह से? एट द लेवल ऑफ टी फोर थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 4 पे ट्रेकिया है वो डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स के अंदर, या ट्रेकिया बायफ्रेगनेट हो जाता है। उस जगह को बोलते हैं कैरिना। उस जगह को क्या बोलते हैं? कैरिना। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कंपटीशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार बना के लिख लें कि कैरिना कौन सी जगह है। कैरिना वह जगह है जहां पे ट्रेकिया दो में डिवाइड होता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कैरिना कौन से थोरेसिक वर्टिब्रल लेवल पे बनता है, तो कौन से लेवल पे है? T4 पे। नाइस, बहुत ही शानदार। अब बात कर रहे हैं अपन किसकी? ब्रोंकाई की। जो T4 लेवल पे ये जो ट्रेकिया है वो दो में डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ्ट के अंदर। किस किस के अंदर? राइट और लेफ्ट के अंदर। तो आप उसको राइट ब्रोंकाई या फिर लेफ्ट ब्रोंकाई भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? राइट ब्रोंकाई या फिर लेफ्ट ब्रोंकाई भी बोल सकते हो। अपन बात करें तो राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई को आप प्राइमरी ब्रोंकाई भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? राइट एंड लेफ्ट जो ब्रोंकाई है उसको आप प्राइमरी ब्रोंकाई भी बोल सकते हो। ये आपकी कौन सी है? लेफ्ट ब्रोंकाई है इधर की। ये कौन सी है? लेफ्ट ब्रोंकाई। और ये आपकी कौन सी है? राइट ब्रोंकाई, ठीक है। कहां डिवाइड हुआ था ये? T4 के लेवल पे। कौन सी जगह पे? T4 लेवल पे डिवाइड हुआ। डिवाइड होके दो में डिवाइड हो गया, लेफ्ट एंड राइट में। किसमें? लेफ्ट एंड राइट में, या फिर उन दोनों को आप कंबाइंडली प्राइमरी ब्रोंकाई भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्राइमरी ब्रोंकाई बोल सकते हो। अपन डिस्कशन करेंगे, पहले देखेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद में सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद में टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे एल ब्रोंकियल या ब्रोंकियोल्स, या फिर आप देखोगे ब्रोंकियोल्स के बाद में आप देखोगे एल्वियोलर डक्ट ब्रोंकियोल्स, और उसके बाद में एल्वियोलर डक्ट, और फिर लास्ट में आएगी आपके क्या? एल्वियोलाई, ठीक है। इन सारी स्ट्रक्चर्स के बारे में अपन आज स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं कि अपन पढ़ते हैं पहले किसके बारे में? राइट ब्रोंकाई के बारे में, फिर पढ़ेंगे लेफ्ट ब्रोंकाई के बारे में, फिर सेकेंडरी, टर्शियरी और ब्रोंकियोल्स के बारे में अपन क्या पढ़ लेंगे? कंबाइंड पढ़ लेंगे। राइट और लेफ्ट में थोड़े से डिफरेंस होते हैं, वो डिफरेंस मैं आपको पहले बता देता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें किसकी? राइट
ब्रोंकाई, या इसको ये भी बोल सकते हो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोल सकते हो? राइट प्राइमरी ब्रोंकाई या फिर राइट ब्रोंकाई। बात करें अपन लेफ्ट हैंड राइट की, तो राइट जो ब्रोंकाई है वो थोड़ी सी क्या होती है, शॉर्ट होती है। शॉर्ट का मतलब छोटी होती है। कैसी कैसी होती है? शॉर्ट, वाइडर, वाइडर का मतलब चौड़ी। देखो ये आपको दिखाई दे रही है, ये तो आपकी कौन सी है, लेफ्ट है। कौन सी है? लेफ्ट है। ये आपकी राइट ब्रोंकाई है। तो देखो बेटा इसकी लंबाई तो इतनी सी है और इसकी लंबाई इतनी है, तो छोटी कौन सी है? राइट ब्रोंकाई छोटी है। राइट ब्रोंकाई शॉर्ट भी है। चौड़ाई की बात करें तो राइट ब्रोंकाई की चौड़ाई क्या है? ज्यादा है। तो राइट ब्रोंकाई कैसी है? शॉर्ट है, वाइडर है, और कैसी है? स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब सीधी है। स्ट्रेट का मतलब सीधी। कैसी है? स्ट्रेट है, वाइडर है, और आप स्ट्रेट भी बोल सकते हो इसको, या फिर वर्टिकल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? स्ट्रेट या फिर वर्टिकल, मोर वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब समझते हो ना? हॉरिजॉन्टल का मतलब स्ट्रिक, वर्टिकल का मतलब स्ट्रिक, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये मोर वर्टिकल है। आप देखो ये ओब्लिक दिखाई दे रही है, थोड़ी सी क्या है, सीधी है, ठीक है। तो राइट ब्रोंकाई कैसी है? शॉर्ट है, वाइडर है, स्ट्रेट है, या फिर मोर वर्टिकल है? लेंथ की बात करें, किसकी बात करें? लेंथ की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, 2.5 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी लेंथ होती है। जहां पे राइट ब्रोंकाई राइट लंग्स में एंटर होती है, वहां पे ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? सेकेंडरी ब्रोंकाइटिस के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? सेकेंडरी ब्रोंकाइटिस। राइट ब्रोंकाई हमेशा राइट लंग्स के अंदर एंटर होगी और लेफ्ट ब्रोंकाई हमेशा लेफ्ट लंग के अंदर एंटर होगी। आर यू वेल नोन? ये तो आपको पता है। ये तो होगा नहीं कि राइट साइड वाले क्रॉस करती हुई लेफ्ट में जाएगी और लेफ्ट वाले राइट में जाएगी, ऐसा तो नहीं होता ना? नहीं होगा। कैसा होगा? राइट वाली राइट में, लेफ्ट वाली लेफ्ट। शाबाश। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि जो राइट ब्रोंकाई है इसके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कौन होता है? क्योंकि एनाटॉमी जब पढ़ते हो आप तो एनाटॉमी का मतलब होता है कि उसकी पोजीशन क्या है, और उसकी पोजीशन का पता लगाने के लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा? पड़ोसी देखने पड़ेंगे, किसका पड़ोसी कौन है, इसका पड़ोसी कौन है। पड़ोसी हमेशा आपके घर के भी पड़ोसी चार ही होते हैं, चार ही पड़ोसी होते हैं, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला। ऊपर और नीचे पड़ोसी नहीं होते घर के, होते हैं क्या? नहीं होते। आजकल किराए पे, हाँ वो बात भी सही है, यू आर राइट। हाँ अगर इस रूम की बात करें, रूम किराए पे ले लिया तो इधर भी पड़ोसी, उधर भी पड़ोसी, इधर भी पड़ोसी, इधर भी, नीचे भी ऊपर भी, छह पड़ोसी हो जाते हैं। तो सेम एनाटॉमी में भी छह पड़ोसी होंगे। एनाटॉमी में भी कितने होंगे? छह। छह का मतलब सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और मीडियल, दोनों साइड में लेटरल आ जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अपन राइट ब्रोंकाई की। तो राइट ब्रोंकाई के पड़ोसी कौन है? एंटीरियर की बात करें, सामने वाला पड़ोसी कौन है? तो आपको पता है कि एंटीरियर क्या प्रेजेंट होती है? एंटीरियर प्रेजेंट होती है असेंडिंग aorta। कौन सी aorta? असेंडिंग aorta। मैं आपको एक डायग्राम से शायद दिखा देता हूं कि वेयर इज द असेंडिंग aorta। इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा, चलो इस डायग्राम में नहीं दिखाई दे रहा, लंग्स के डायग्राम ही है। क्या होती है कि जब जैसे थोरेसिक aorta होती है ना, थोरेसिक aorta आपने नाम सुना होगा, आर्चो aorta, आर्चो aorta से वहां से थोरेसिक aorta और abdominal aorta वगैरह निकलती है, ठीक है। अब जो थोरेसिक aorta होती है उसकी ब्रांच होती है असेंडिंग aorta, जो राइट ब्रोंकाई के सामने से निकलती है एंटीरियरली।
तो एंटीजर क्या प्रेजेंट होता है, बात कर रहे हैं अपन किसकी, राइट ब्रोंकाई की। तो राइट ब्रोंकाई के एंटीरियर मतलब सामने वाला पड़ोसी कौन है, असेंडिंग ऑर्टा, कौन है असेंडिंग ऑर्टा, और इसके अलावा और कौन है, सुपीरियर वेना केवा, कौन है सुपीरियर वेना केवा, भी जो ऊपर का ब्लड लेके आती है ड्रेन करती है वो भी कहां होती है, सामने की साइड में होती है, सुपीरियर वेना केवा और कौन सी है असेंडिंग ऑर्टा, ये दोनों सामने वाले पड़ोसी है। पीछे वाले पड़ोसियों का पता करते हैं भाई, पीछे के पड़ोसी कौन कौन है। पोस्टीरियर की बात करें तो इसके पीछे की साइड में पोस्टीरियरली क्या होगा, एक तो आपको बताया वर्टिब्रल कॉलम होगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड होगा, और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड में भी कौन सी होती है, थोड़ी सी लंबार वर्टिब्रा, कौन सी होती है पोस्टीरियरली क्या होती है वर्टिब्रा, और वर्टिब्रा में भी कौन सी मोस्टली थोड़ी सी, कुछ पार्ट तो किसका रहता है थोरेसिक वर्टिब्रा का, और कुछ पार्ट वो थोड़ा सा किसका रहता है लंबार वर्टिब्रा का इसके अंदर रहता है। देन बात करते हैं अपन किसकी, सुपीरियर की, ऊपर वाला पड़ोसी कौन है। ऊपर वाले का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब ऊपर वाला नाराज होता है तो वो नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सुपीरियर क्या है इसके, सुपीरियर एक तो कैरिना है, जहां से ये बायफ्रेग्नेट हुई थी, दो में डिवाइड हुई थी, एक तो वो है, और दूसरा कौन है, ये इसका बाप बेटा है ट्रेकिया, कौन है ट्रेकिया, और कौन है ट्रेकिया, सुपीरियर कौन है ट्रेकिया और कैरिना। इन्फीरियर की बात करें, इन्फीरियर का मतलब नीचे की साइड की बात करें, तो नीचे की साइड में कौन है सेकेंडरी ब्रोंकाइल्स, सेकेंडरी ब्रोंकाई है, और सेकेंडरी ब्रोंकाई के साथ में टर्शियरी ब्रोंकाई भी इसके नीचे की साइड में है, दिख रहा है आपको, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई और सेकेंडरी से निकली हुई है टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई और सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या है इसके इन्फीरियर है, ठीक है, ये भी इन्फीरियर और ये सेकेंडरी भी इन्फीरियर, याद रहेगा दाएं बाएं ऊपर नीचे एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर और इन्फीरियर क्या क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, लेफ्ट ब्रोंकाई की, किसकी बात करते हैं लेफ्ट ब्रोंकाई की, किसकी बात करें लेफ्ट ब्रोंकाई की, देखिए जी राइट ब्रोंकाई की बजाय लेफ्ट ब्रोंकाई थोड़ी सी बड़ी होती है, लंबाई में भी बड़ी होती है, सीधी कम होती है, वाइड भी कम होती है, मतलब बात सीधी सीधी है कि लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, कौन है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई या फिर लेफ्ट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई की बात करें तो लेफ्ट ब्रोंकाई कैसी है, नैरो, नैरो भी है, वाइडर नहीं है, तो वाइड को क्या बोलोगे नैरो बोल दोगे, ठीक है, शॉर्ट की बजाय आप यहां पे क्या बोलोगे लॉन्ग, ओब्लिक है, मोर ओब्लिक है, स्ट्रेट नहीं है, कैसी है ओब्लिक, ओब्लिक का मतलब क्रॉस ज्यादा है, ये देखो ये क्रॉस है ये स्ट्रेट, ओब्लिक, ये कैसी होती है मोर ओब्लिक, तो क्या बोलोगे बेटा ओब्लिक नहीं बोलोगे, ओब्लिक, हाँ ओब्लिक ऐसे लिखा जाता है ना, क्या हुआ अभिषेक ओब्लिक ही है, तो ये ओब्लिक होती है, मोर ओब्लिक है, थोड़ी नैरो है और लंबी है, लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है, कितनी सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लंबी है, 5 सेंटीमीटर लंबी, राइट ब्रोंकाई की बजाय थोड़ी सी नैरो, राइट ब्रोंकाई की बजाय थोड़ी सी लेंथ में बड़ी और ओब्लिक है, या फिर आप क्या बोल सकते हो ये
लेस स्ट्रेट है या फिर लेस वर्टिकल है, मोर वर्टिकल नहीं है, कैसी है, लेस वर्टिकल है, ठीक है। देन बात करते हैं कि ये जो लेफ्ट ब्रोंकाई है वो किसके अंदर एंटर करेगी, लेफ्ट लंग के अंदर, किसमें एंटर करेगी, लेफ्ट लंग। आज तक किसी के साथ में हुआ है क्या लेफ्ट वाले राइट लंग्स में एंटर हुई है, नहीं होती ना, हाँ। तो लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग्स के अंदर एंटर करेगी। देन अगर बात करें अपन, मैं एक छोटी सी टर्म यहां बता देता हूं, अगर लंग्स में इंफेक्शन होता है, किसमें, लंग्स में इंफेक्शन होता है, तो हमेशा राइट लंग्स में इंफेक्शन पहले होगा और राइट लंग्स में इंफेक्शन ज्यादा होगा। वाई वाई, क्योंकि एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म 5 सेंटीमीटर का रास्ता पार करना पड़ेगा, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 2.5 सेंटीमीटर का रास्ता पार करने पड़ेगा, ज्यादा जल्दी कौन सा पहुंचेगा, राइट। दूसरी, लेफ्ट वाली छोटी है, नेरो है, छोटी पाइप के अंदर आपको पता है छोटी पाइप में कोई भी चीज डालोगे वो मुश्किल से जाएगी और बड़ी पाइप में डालोगे आराम से चली जाएगी। दूसरा, ऑब्लिक है, आपने फिसल पट्टी देखी है, छोटे थे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम वो फिसल पट्टी हुआ करती थी इस तरह की, उस पर आप बैठते थे सट से नीचे चले जाते थे, अगर वो और ज्यादा स्ट्रेट हो तो जल्दी जाओगे कि नहीं जाओगे, एक तो इस पर आपको बिठाऊं यहां से तो आप यहां से जाओगे यहां तक, और एक आपको इस पर बिठाऊं, जल्दी कौन सी में जाओगे, इसमें जल्दी जाओगे इसकी बजाय, तो जल्दी कौन सी में जाएगा, इसमें जाए, इसलिए इंफेक्शन के सबसे ज्यादा चांसेस राइट लंग्स में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू द स्ट्रेटनेस एंड मोर वाइडनेस और शॉर्टनेस ऑफ द प्राइमरी ब्रोंकाई या राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई के छोटा होने की वजह से, स्ट्रेट होने की वजह से और चौड़ा होने की वजह से राइट लंग्स में इंफेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रिलेशनशिप, इसके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कौन होते हैं, वही होते हैं जो राइट के थे, वही लेफ्ट के होते हैं, जो राइट के थे वही किसके होते हैं, इसके होते हैं। एंटीरियर की बात करें तो असेंडिंग ऑर्टा और क्या होगा, सुपीरियर वेना केवा रहेगी एंटीरियर, पोस्टीरियर की बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्राज रहेगी, सुपीरियर की बात करेंगे तो ट्रेकिया और कैरिना रहेगा, इंफीरियर की बात करें तो सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाइज रहेगी, ठीक है। इतना अभी तक आपने पढ़ा है किसके बारे में, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाइज के बारे में, किसके बारे में, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाइज उसके बारे में पढ़ा है, अब अपन देखते हैं किसके बारे में, सेकेंडरी ब्रोंकाइज के बारे में, किसके बारे में, सेकेंडरी ब्रोंकाइज के बारे में। देखो बेटा, राइट और लेफ्ट दोनों प्राइमरी ब्रोंकाई जैसे ही लंग्स में एंटर होती है, किसमें एंटर होती है, जैसे ही लंग्स में एंटर होती है, वो एंटर होते ही छोटी छोटी स्मॉल ब्रांचेज के अंदर डिवाइड हो जाती है और उन्हीं स्मॉल ब्रांचेज को क्या बोलते हैं अपन, सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलोगे उनको आप, सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलोगे। देन सेकेंडरी ब्रोंकाइज की अगर अपन बात करें, यहां आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलार डक्ट और एल्वियोलाई, में भी आप सही ध्यान से देख रहे हो तो इसके अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अपन बात करते हैं किसकी, सेकेंडरी ब्रोंकाइज की बात करते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई की बात करें तो राइट जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है वो तीन में डिवाइड होती है, कितने में डिवाइड होती है, तीन में डिवाइड होती है। सेकेंडरी ब्रोंकाई का दूसरा नाम आप लोबर ब्रोंकाई भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, लोबर ब्रोंकाई भी बोल सकते हो, जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है उसको आप क्या बोल सकते हो, लोबर ब्रोंकाई,
लोबर ब्रोंकाई भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रत्येक लंग्स लोब में डिवाइड होता है। राइट लंग्स के 3 लोब होते हैं और लेफ्ट लंग्स के 2 लोब होते हैं। राइट के कितने होते हैं? 3 लोब होते हैं और लेफ्ट के कितने होते हैं? 2 लोब। इसीलिए राइट ब्रोंकाई है वो कितने में डिवाइड होगी? 3 में। राइट कितने में डिवाइड होगी? 3 में। और लेफ्ट कितने में डिवाइड होगी? 2 में। तो अपन बात करते हैं कि सेकेंडरी ब्रोंकाई या राइट सेकेंडरी ब्रोंकाई या राइट लोबर ब्रोंकाई के 3 ब्रांचेज होती है। कितनी ब्रांचेज होती है? 3 ब्रांचेज होती है। तीनों ब्रांच ईच लोब के अंदर एंटर होती है। कहां एंटर होती है? ईच लोब के अंदर। ईच का मतलब प्रत्येक लोब में एक ब्रोंकाई जाएगी। कितनी जाएगी? प्रत्येक लोब के अंदर एक ब्रोंकाई जाएगी। इसीलिए इसकी 3 ब्रांचेज होती है, क्योंकि राइट लंग्स के कितने ब्रांच होते, कितने लोब होते हैं? 3। सेम अगर अपन बात करें लेफ्ट सेकेंडरी ब्रोंकाई की, किसकी बात करें? लेफ्ट सेकेंडरी ब्रोंकाई की बात करें तो लेफ्ट सेकेंडरी ब्रोंकाई कितनी होती है? 2। क्यों? क्योंकि लेफ्ट जो लंग है उसके कितने लोब होते हैं? 2। तो यहां पे ये 2 है और यहां पे आपको यहां 3 दिखाई दे रही है। ठीक है, ये है ना 1, 2, 3 1, 2 वो टर्शियरी ब्रोंकाई। ठीक है, देन बात करते हैं अपन कि जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है उसके छोटी छोटी ब्रांचेज और निकलती है। सेकेंडरी ब्रोंकाइज से और छोटी छोटी ब्रोंकाइज निकलती है, जिन ब्रोंकाइज को आप सेगमेंटल ब्रोंकाई भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सेगमेंटल ब्रोंकाई, या फिर उनको क्या बोल सकते हो? टर्शियरी ब्रोंकाई भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? देखो ये सेकेंडरी ब्रोंकाई है, इससे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से छोटी छोटी ब्रांचेज निकल रही है। आपको अगर दिखाई दे रही हो, निकल रही कि नहीं निकल रही? ये प्रत्येक सेगमेंट में जाती है। एक लोब फिर से सेगमेंट में डिवाइड होता है। लंग्स की बात करें 3 लोब होते हैं, फिर वो एक लोब है वो छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड होता है। ठीक है, और प्रत्येक सेगमेंट में एक ब्रोंकाई जाती है। कितनी जाती है? एक ब्रोंकाई। तो अप्रोक्सीमेट 20 सेगमेंटल ब्रोंकाई होती है, या फिर 20 टर्शियरी ब्रोंकाई होती है। कितनी होती है? 20 टर्शियरी ब्रोंकाई होती है, और ईच लंग्स के अंदर 10 इन नंबर होती है। कितनी होती है? 20 टर्शियरी ब्रोंकाई, 20 होती है नंबर के अंदर, या फिर इनको सेगमेंटल सेगमेंटल ब्रोंकाई भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सेगमेंटल ब्रोंकाई भी बोलते हो। प्रत्येक सेगमेंट में जाएगी। ठीक है, ईच लंग्स के अंदर प्रत्येक लंग्स में कितनी होती है? 10। देखो इसमें काउंट करते हैं अपन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होगी। 10 इसमें भी देखना, 10 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक इधर किधर कहीं होगी ना? ना होने, यहां इस डायग्राम में क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। अप्रोक्सीमेट इसमें भी कितनी होती है? 10 ब्रोंकाई होती है। तो 10-10 दोनों के अंदर अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेटली का मतलब है किसी में 9 भी हो सकती है तो किसी में 10 भी हो सकती है। अप्रोक्सीमेटली 20 सेगमेंटल ब्रोंकाइज होती है, जिनको आप क्या बोलोगे? सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या बोलोगे आप? सॉरी, टर्शियरी ब्रोंकाई। क्या बोलोगे? टर्शियरी ब्रोंकाई। अब ये टर्शियरी ब्रोंकाई भी और छोटी छोटी ब्रांचों में डिवाइड होती है। टर्शियरी ब्रोंकाई भी और छोटी छोटी ब्रांचों में डिवाइड होती है। उन छोटी छोटी ब्रांचों को आप क्या बोलोगे? ब्रोंकियोल्स बोलो। यहां बेटा आपको दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। देखो ये आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई, ये आपकी सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है,
और ये सेकेंडरी से निकली हुई यह आपकी कौन सी टर्शरी ब्रोंकाई। फिर अपन एक टर्शरी ब्रोंकाई की बात करें तो टर्शरी ब्रोंकाई फिर से छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होती है और उस ब्रांचेस को क्या बोलते हैं अपन ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको ब्रोंकियोल्स। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई या फिर लोबर ब्रोंकाई, फिर सेगमेंटल ब्रोंकाई और फिर उसके बाद में ब्रोंकियोल्स। प्रत्येक ब्रोंकियोल्स ईच एंड एवरी जो ब्रोंकियोल्स है वो भी और छोटी 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 ब्रोंकियोल्स के अंदर डिवाइड होता है जिसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली लेस देन 1 mm होता है। कितना होता है लेस देन 1 mm होता है उनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। फिर यही रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स और एक छोटी सी डिवीजन होता है उनका एक छोटी सी डक्ट के अंदर डिवाइड होती है उस डक्ट को बोलते हैं एल्वियोलार डक्ट। उसको क्या बोलते हैं एल्वियोलार डक्ट। यहां देखो बेटा आपको दिखाई दे रहा है ये एक क्या है थी देखो पल्मोनरी वेन वगैरह दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रही है क्या है एल्वियोलार डक्ट। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और उसके बाद ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकियोल्स के बाद में आपको यहां दिखेगी कौन सी एल्वियोलार डक्ट और एल्वियोलार डक्ट आके ओपन हो जाएगी किसके अंदर एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलार डक्ट किसके अंदर आके ओपन हो जाएगी एल्वियोलाई के अंदर। एक सेक लाइक या फिर एक पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हो आप एल्वियोलाई बोलते हो। क्या बोलते हो एल्वियोलाई। हिंदी में आपने सुना हो तो फुफ्फुसिका। क्या बोलते हैं फुफ्फुसिका। फुफ्फुस किसको बोलते हैं फुफ्फुस। अरे लंग्स को बोलते हैं फुफ्फुस और इसको क्या बोलोगे आप फुफ्फुसिका। ठीक है एल्वियोलाई की बात करें तो एल्वियोलाई है अपन एक एल्वियोलाई की बात करें अपन एल्वियोलाई है वो इलास्टिक और जो कोलेजन फाइबर है उनकी बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है इलास्टिक और जो कोलेजन फाइबर्स है उनकी बनी हुई होती है और इनका अरेंजमेंट जो होता है वो क्लस्टर के अंदर होता है। क्लस्टर का मतलब गुच्छा और गुच्छा का मतलब जिस तरीके से आपके अंगूर होते हैं ना अंगूर का बंच होता है गुच्छा होता है उसी तरीके से प्रेजेंट होती है और अप्रोक्सीमेटली एक बंच के अंदर 15 से 20 एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। कितनी होती है 15 से 20 एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है बंच के रूप में या क्लस्टर के रूप में प्रेजेंट होती है जो लुक्स लाइक ग्रेप्स जैसा कि आपको प्रतीत होता है जैसे अंगूर होते हैं उस तरह की आपको वो दिखाई देती है। क्या हुआ किस तरह की दिखेगी लुक्स लाइक ग्रेप्स अंगूर के गुच्छा होता है उस तरीके की दिखेगी। कितनी होती है 15 से 20। ठीक है किसकी बनी होती है इलास्टिक और कोलेजन फाइबर्स। ठीक है ये था आपका किसके बारे में ब्रोंकाई के बारे में सेकेंडरी टर्शरी और एल्वियोलार डक्ट और किसके बारे में एल्वियोलाई के बारे में। यहाँ एक छोटा सा टॉपिक आता है ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री या फिर रेस्पिरेटरी ट्री या ब्रोंकियल ट्री। क्या बोलते हैं उसको रेस्पिरेटरी ट्री या ब्रोंकियल ट्री या कई जगह आपको ये पूछा जाएगा ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री। ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री का मतलब होता है पेड़ और पेड़ का मतलब होता है उसकी एक स्टीम होगा उससे बहुत सारी ब्रांचेज निकलेगी फिर उनकी ब्रांचेज फिर उनकी ब्रांचेज फिर उनकी ब्रांचेज और फिर लास्ट में जाके क्या निकलेंगे उसके लीव्स निकलेगी पत्तियां निकलेगी। सेम इसी तरीके से इसमें होता है जैसे अपन ब्रोंकियल ट्री की बात करें किसकी बात करें ब्रोंकियल ट्री की बात करें यहां आपको नाम भी दिखाई दे रहा है ब्रोंकियल ट्री तो ब्रोंकियल ट्री ही की बात होती है तो वो स्टार्ट होगा आपके प्राइमरी ब्रोंकाई से। और अगर आप को पूछा जाता है ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री या रेस्पिरेटरी ट्री तो स्टार्ट होगा किससे ट्रेकिया से फिर ट्रेकिया के बाद में उसकी कौन सी ब्रांचेस प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद में सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद में टर्शरी ब्रोंकाई के बाद में क्या निकलेगा ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकियोल्स के बाद में टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद में रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स टर्मिनल ब्रोंकियोल्स रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकियोल्स ये किसके पार्ट है ब्रोंकियोल्स के ही पार्ट है। ठीक है और उसके बाद में क्या बन जाएगा आपका एल्वियोलार डक्ट और एल्वियोलार डक्ट के बाद में कहां पहुंच जाएगा एल्वियोलाइट। तो आपसे अगर पूछा जाता है ब्रोंकियल ट्री तो ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्शरी ब्रोंकाई उसके बाद में ब्रोंकियोल्स ब्रोंकियोल्स के बाद में कौन सी
टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद में रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स के बाद में एल्वियोलार डक्ट, और एल्वियोलार डक्ट के बाद में एल्वियोलार सैक या फिर एल्वियोलाई। ठीक है, दिस इज द ब्रोंकियल ट्री। एग्जाम पर्पज के हिसाब से सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यही पूछा जाता है, ब्रोंकियल ट्री या फिर रेस्पिरेटरी ट्री, मैं के फ्लो चार्ट या मैं के नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री या फ्लो चार्ट ऑफ ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री या ब्रोंकियल ट्री या रेस्पिरेटरी ट्री, उसका फ्लो चार्ट पूछ लेते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ब्रोंकियल ट्री उसमें पूछा क्या है, ये चार्ट ध्यान में रखना। अगर ब्रोंकियल ट्री पूछा है तो प्राइमरी ब्रोंकाई से स्टार्ट करना है, और आपसे पूछा है ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री तो ट्रेकिया से स्टार्ट करना है। अंडरस्टूड? ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब देखेंगे अपन किसकी स्ट्रक्चर, लंग्स के बारे में, लंग्स क्या होते हैं, क्या इनकी वॉल्यूम होते हैं, क्या कैपेसिटी और क्या क्या फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे अगर बात करूं मैं एल्वियोलाई की या फिर ब्रोंकाइज की, तो ब्रोंकाइज का एक ही काम होता है, क्या काम होता है, एयर का क्या करवाना, पासेज इन एंड आउट जो पासेज है वो क्या करवाना है, एयर का, वही काम किसका है, ब्रोंकाइज का। ठीक है, थैंक यू।